आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार फ्रेंड्स। ये मेरा व्हाइट रोज है और देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। और एक ही ब्रांच में जो है, एक ही टहनी पे कम से कम 8 कलियां आई हुई हैं, जिसमें से कि 3 फूल खिल चुके हैं और बाकी के 5 अभी खिलने बाकी है। तो थोड़ा सा और भी प्लांट्स हैं, केयर तो चाहते हैं, बट ये रोज का प्लांट्स जो होता है, इंग्लिश रोज जो वैरायटीज होते हैं इस तरह के, वो काफ़ी केयर खोजते हैं। तो अगर हम थोड़ा केयर करेंगे तो निश्चित है कि हमारे भी प्लांट्स में बहुत सारे फूल आएंगे। लेकिन कभी कभी देखते होंगे कि हमारा प्लांट्स जो होता है उसकी कलियाँ जो होती है वो खिलने से पहले ही बिल्कुल काली पड़ जाती है, ऐसा लगता है जैसे वो जल सी गई है, और पत्तियाँ वगैरह भी बिल्कुल झुलस सी जाती है। जबकि बहुत ज़्यादा हीट नहीं होता है, बहुत गर्मी नहीं होती है, फिर भी उस समय पत्तियाँ वगैरह जो होती है बिल्कुल जली जली सी दिखती होगी आपको, उसकी कलियाँ जो है खिलने से पहले ही मुरझा सी जाती है, काली पड़ करके और वो गिर जाती है। तो देख रहे हैं कि मेरा ये प्लांट जो है काफ़ी इफेक्टेड हो चुका था, कुछ ध्यान नहीं रख पाई थी मैं, तो ये देख रहे हैं कि बिल्कुल पत्तियाँ वगैरह जो है बिल्कुल सूखी सूखी सी लग रही है, और पत्तियों में बहुत सारे एकदम छोटे छोटे से छिद्र हो गए हैं, और इसके जो कली भी देख रहे हैं, कली भी खिलने से पहले जो है मुरझा सी गई है, ऐसा लग रहा है कि एकदम से जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी हो और वो झुलस सी गई हो। लेकिन उस समय ये कोई खास गर्मी भी, मतलब उतनी भी गर्मी नहीं है मई जून वाली कि इस तरह से जलने लग जाए। और मेरा ये प्लांट्स भी जो ऐसी जगह पर रखा है जहाँ सुबह की 3 घंटे की धूप आती है, तो इसके बाद इस तरह से प्रॉब्लम्स आ गई मेरे प्लांट्स में, और टहनियाँ भी ऊपर से काली होती चली जा रही है, जैसे डाइवेक बोलते हैं उस तरह से। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इन टहनियों को जो है जो ऊपर से काली हो गई है, जहाँ तक ग्रीन है उसके थोड़ा हल्का सा नीचे, आधा इंच नीचे ग्रीन तक उसको कट करके हटा दूंगी, और जितनी सारी पत्तियाँ वगैरह हैं वो सब मैं हटा दूंगी, क्योंकि ये सारी पत्तियाँ जो है फंगस लग चुके हैं, इंसेक्ट भी इस पर काफ़ी अटैक कर चुके हैं। देखा होगा मैंने, जो मैं भी दिखाई थी एक कली आपको, उस पर कितने सारे कीड़े मंडरा रहे थे, तो इससे मैं पूरी तरह से रिमूव कर दूंगी। और ये जो काम है मैं इवनिंग शाम के टाइम पे कर रही हूँ, आपको दोपहर के टाइम में अपने प्लांट्स पे इस तरह से कोई भी वर्क नहीं करना है। और इस समय जो है काफ़ी, मतलब दोपहर में तेज धूप भी हो रही है, तो इस तरह से रिमूव करने के बाद, पत्तियों को हटा देने के बाद जो है मैं इस पर फंजीसाइड का स्प्रे करूंगी। और ये स्प्रे जो मैं करूंगी वो हर दूसरे दिन मैं कम से कम 3 से 4 बार इसको दोहराऊंगी, जिससे कि हमारा प्लांट्स जो है मरने से बचे। और फ्रेंड्स, ये करने के बाद इसको मैं बिल्कुल फुल्ली सनलाइट में नहीं रखूंगी जब तक इस पर पत्तियाँ वगैरह नहीं आ जाती है, बस सुबह की जो हल्की धूप होती है 1 से 1 घंटे की, वो बस मैं उस जगह पर रखूंगी, और बाकी धूप जो तेज बढ़ने लगती है उस पर मैं या तो आप अगर कोई जगह ऐसी है तो रिप्लेस कर दूंगी, नहीं तो ऊपर से कवर कर दूंगी। तो ये मैंने साफ फंजीसाइड इस पर यूज़ किया हुआ है, अगर आपके पास कोई भी फंजीसाइड है, वेबस्टिन वगैरह भी है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। और जहाँ पर मैंने जो जो ब्रांच कट किए हैं उन सब पर मैं ये पाउडर जो है वो लगा दूंगी अच्छी तरह से, जिस पर कि फंगस वगैरह ये ना हो, क्योंकि इस समय थोड़ी सी गर्मी भी है फ्रेंड्स। तो पूरी अच्छे से टहनियों पर भी मैं लगा करके और इसको ढक दूंगी, और देखिए कुछ दिनों के बाद इसमें कितने अच्छे से न्यू लीव्स आ चुके हैं। अब हमारा ये प्लांट जो है बच गया है फ्रेंड्स, और अच्छे से सर्वाइव कर चुका है हमारा ये प्लांट। इसमें मैं थोड़ा सा जो है वर्मी कंपोस्ट, वो मैंने थोड़ा सा जब रिमूव किया था पत्तियों वगैरह को तो उस समय भी दिए थे, फिर ये मैं दूसरी बार भी दे रही हूँ, और इसे मैंने थोड़ा सा बोन मील मिक्स किया हुआ है। अगर बोन मील से कम्फर्ट फील करते हैं तो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप फिर वर्मी कंपोस्ट या काउडंग्स मिक्स करके थोड़ी सी चाय पत्ती बिल्कुल हल्के मात्रा में देना है आपको, दे करके उसको अच्छे से गुराई करके छोड़ दीजिए। पानी समय नहीं दूंगी मैं, पानी मैं इसमें नेक्स्ट टाइम दूंगी। और ये भी जो मैं फर्टिलाइजर दे रही हूँ ये मैं शाम के टाइम पे दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब इसे जो है फुल सनलाइट में रख दूंगी, लेकिन दोपहर की धूप से मैं, मेरा प्लांट्स बिल्कुल दोपहर की धूप से, क्योंकि धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, तो मैं ऐसी जगह पर रखी हूँ जहाँ से सुबह से इसके 3 से 4 घंटे की धूप लगती है। तो उसके बाद अब हमारा ये प्लांट जो है बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर चुका है, और अब बहुत सारे इसमें फूल आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो बस इसका ध्यान रखना है कि अगर इस तरह से कभी प्रॉब्लम्स दिखती है आपको, तो आप तुरंत फंजीसाइड का स्प्रे करें और अच्छा से एक न्यूट्रिशन अपने प्लांट्स को दें,
तो फ्रेंड्स, आप वीडियो अच्छी लगी है आपको तो लाइक करें, और हमारे चैनल्स पे नए हैं अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी कई सारे इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।